नमस्कार दोस्तों, DK 3D होम डिजाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज का प्लान है 600 स्क्वायर फुट। प्लॉट का साइज है 15 फीट बाय 40 फीट, मतलब 15 फीट बाय 40 फीट, ये लगभग 600 स्क्वायर फीट का आ जाएगा, 600 स्क्वायर फीट। इसमें रोड की साइज जो है, ये देखिए, ये साइड रोड है। जब यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक वरांडा है या ओटा कह सकते हैं हम। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, देखिए ये ऊपर जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर स्टार्ट कर दिए हमने। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से ऊपर जाके ये फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। ये जो डॉटेड लाइन है ये ऊपर सीढ़ी रहेगी और ये नीचे से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से मेन डोर है, मेन डोर के बाद हम लिविंग रूम में जैसे ही एंट्री करते हैं, लिविंग रूम का साइज है 13 फीट 6 इंच बाय 10 फीट। ओके, और यहाँ पे सोफा सेट लगाया है और यहाँ पे है हम LED लगा सकते हैं, TV लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे जाने के बाद 3 फीट 2 इंच का हमने ये पूरा पैसेज रखा है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से हम यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो ये बेडरूम है, बेडरूम का साइज 10 फीट बाय 9 फीट 6 इंच है। और यहाँ पे हमने एक विंडो रखा है बेडरूम के लिए। और बेडरूम के बाद यहाँ पे देखिए, ये टॉयलेट बाथरूम अटैच है, WC बाथ, ये 3 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 4 इंच का है। और इसके पीछे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक वेंटिलेशन के लिए हमने ये डक छोड़ा है, मतलब ओपन टू स्काई, यहाँ पे स्लैब नहीं रहेगा। ये 3 फीट बाय 2 फीट का एक पूरा पैसेज है। यहाँ पे हम वेंटिलेटर, ये देखिए यहाँ पे विंडोज है, ये वेंटिलेटर रहेगा, मतलब इसका जो भी स्मेल है ये हमारे घर में ना आके यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएगा, इसलिए ये डक छोड़ना जरूरी है। और यहाँ से ये देखिए, हम किचन में एंट्री करते हैं, यहाँ से डोर है किचन का। किचन का साइज 9 फीट 8 इंच बाय 12 फीट का है। और यहाँ पे हमने किचन ओटा रखा है, देखिए ये किचन ओटा, और यहाँ पे एक पूजा के लिए छोटा सा स्पेस रखा है। और किचन के लिए यहाँ पे विंडो रखा है, यहाँ पे दूसरों का प्लॉट है इसलिए यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हमने कोई विंडो नहीं रखा है इसलिए हमें ये डक छोड़ना पड़ा। ओके, और यहाँ पे भी दूसरों की जगह है तो यहाँ पे पूरे कोई भी विंडो हमने नहीं रखा है। और यहाँ पे इस साइड में इनकी जगह थी, क्लाइंट की जगह थी, तो यहाँ पे हमने इस साइड में पूरा वेंटिलेशन के लिए डोर्स, ये विंडोज रखी है। और यहाँ पे किचन के लिए, यूटिलिटी के लिए यूज करने के लिए डोर रखा है। ठीक है, अगर आपके प्लॉट में जगह लगभग 2 फीट तो भी कम से कम आपको जगह रखना पड़ेगी यहाँ से, मतलब ये 15 फीट के बाद में आपको 2 फीट की जगह रखना पड़ेगी, तब वेंटिलेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह प्लान पसंद पसंद आया है और समझ में ही आया है। हो सकता है किसी को इस प्लान से फायदा हो तो प्लीज यह प्लान आप शेयर कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि होम डिजाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पे मिलती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।